इस साल मेडल पक्का है, ये लाइन याद रखना। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। जितने भी लोग मेंस फिजिक कंपीट करने आ रहे यार, रहने दो यार, जितना तुम्हारा भाई है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, मैं आपका दोस्त हर्ष पांडे। आज हम बात करेंगे रोहित खत्री, यतिंदर सिंह, जीजो चौन, इंडियन रॉक भुवन चौन एंड विलियम बोने के लेटेस्ट अपडेट के विषय में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते, तो हमारे पहले बॉडी बिल्डर है यतिंदर सिंह। यतिंदर सिंह इस वीडियो को शेयर करते हैं, इसके नीचे कैप्शन में लिखते हैं माहौल बदलने वाला है, और इस वीडियो में गाना लगाते हैं आरंभ है प्रचंड है। तो दोस्तों यहाँ पर यतिंदर सिंह इनडायरेक्ट रूप से क्या कहना चाहते हैं, क्या वह 2023 में फिर से किसी कॉम्पिटिशन में कम्पीट करने वाले हैं, या फिर ये सेरू क्लास जो कि जून मंथ में दिल्ली में होने वाला, उसमें कम्पीट कर सकते कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी जो उन्होंने अपना पिछला कंपटीशन खेला था, वो खेले थे वो एशिया चैंपियनशिप, जिसमें वो ओवरऑल चैंपियन विनर भी बने थे। फिर इसके बाद इन्होंने अनाउंस किया था कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि थाईलैंड में होने वाला है, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन किसी कारणवश वो उस कॉम्पिटिशन को पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, और इसका रीजन भी उन्होंने नहीं बताया कि वो क्यों नहीं इस कॉम्पिटिशन को कम्पीट किए थे। तो इसके विषय में कोई तो अपडेट नहीं आ रही, लेकिन हाँ, वो 2023 के लेटेस्ट अपडेट देते हुए उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि माहौल बदलने वाला है। तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि यतिंदर सिंह जल्द ही किसी इंडियन फेडरेशन से या फिर प्राइवेट फेडरेशन में कम्पीट करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है इंडियन रॉक दीपक नंदा। दीपक नंदा भी अपने लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर करते हुए अपने मिड सेक्शन के अपडेट देते हैं और अपने कंडीशन दिखाते हैं प्रेजेंट टाइम के, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, और वो उसमें लिखते हैं लेट डू इट अगेन। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या यहां पर दीपक नंदा इनडायरेक्ट रूप से हिंट देना चाहते हैं कि वो सेरू क्लासिक प्रो शो में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्या वो क्लासिक फिजिक में इस बार क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोगों को दीपक नंदा की फिजिक कैसे लगती है, क्या ये इन फ्यूचर शिवम को बीट कर पाएंगे कि नहीं, क्या इनके भीतर वो जेनेटिक हैं, क्या इनके भीतर वो पोटेंशियल बॉडी में हार्डनेस कंडीशन, बॉडी में सुप्रेशन मसल मास है कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर हैं भुवन चौहान। भुवन चौहान इस पिक को शेयर करते हैं, इसके नीचे कैप्शन में अपने प्रेजेंट टाइम का माइंडसेट शेयर करते हैं कि उनके प्रेजेंट टाइम में किस प्रकार का माइंडसेट है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वो यहाँ पर लिखते हैं फुल्ली कमिटेड टोटली अनअटैच्ड, हियर इज समथिंग आई डिड रिसेंटली डेट कैन बी योर न्यू मंत्रा व्हेन एवर यू फाइंड योर सेल्फ ruminating on how long it is taking you to see results. Results vary person to person and are rarely even linear. There will be inevitable be ups and downs on your journey, whether it's physical or professional. So attaching your motivation to your results will always be conditional. Having a conditional mentality sounds like once I see results, then I will feel good about myself. Having a committed mentality sounds like I feel good about myself because I am committed to making healthier choices and my physical results are merely a byproducts of my efforts. दोस्तों यहाँ पर भुवन चौहान ओवरऑल दो माइंडसेट के विषय में बात करते हैं। पहला माइंडसेट वो माइंडसेट होता है जो केवल अपने रिजल्ट पे फोकस करता है, यदि उसका रिजल्ट अच्छा आया तो वो अच्छा महसूस करता है। सेकंड माइंडसेट जो अपने रिजल्ट के ऊपर उतना डिपेंडेंट नहीं होता, वो अपने हेल्थ के ऊपर डिपेंडेंट होता है, अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करता है, यदि उसका हेल्थ अच्छा है फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट है उसको अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से भुवन चौहान अपने माइंडसेट को प्रेजेंट टाइम की कंडीशन के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग क्या भुवन चौहान के साथ एग्री हैं कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं यस या नो में। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है विलियम बोनेक। विलियम बोनेक इस पिक को शेयर करते हैं जो कि इनके ओलंपिया से 3.5 वीक बिफोर की है। फिर उसके बाद लिखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट आर्नोल्ड स्पोर्ट टिक टिक ओनली 8 वीक्स लेफ्ट। हम आपको बताना चाहते हैं कि आर्नोल्ड स्पोर्ट कोलंबस में 2 से 5 मार्च के बीच में होने वाले, जिसके विषय में विलियम बोनेक ने अनाउंस किया था कि शायद वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो आगे लिखते हैं शुड आई डू सो क्लोज टू द ओलंपिया लेटर ऑन इन द ईयर या जस्ट डू माई ना शेयर्स अ फेवर एंड जस्ट गो फॉर रिटायरमेंट। यहाँ पर विलियम बोनेक आगे लिखते हैं या मैं आर्नोल्ड स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ या फिर मैं रिटायरमेंट की ओर आगे बढ़ने वाला हूँ। आप लोग क्या लगता है, हम आपको बताना चाहते हैं कि विलियम बोनेक ओलंपियड 2022 में पार्टिसिपेट किए थे और इनकी रैंक आई थी 9। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या विलियम बोनेक
फाइनली रिटायरमेंट लेने वाले बॉडी बिल्डिंग से क्या वो अब हमको आगे से कभी भी किसी कॉम्पिटिशन में कम्पीट करते हुए नहीं दिखेंगे या फिर वो केवल मजाक कर रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है इंडिया के फेमस यूट्यूबर बॉडी बिल्डर रोहित खत्री। और रोहित खत्री ने बाकी बॉडी बिल्डर्स को क्या चैलेंज किया है उसको सुन लेते हैं। कोई बात नहीं भाइयों, रुकने वाला तो हूं नहीं मैं, जब तक जीतूंगा नहीं। क्या कुछ हो जाए, जून में कंपटीशन भाइयों, जून में। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ज्यादा दिन नहीं है, 5 महीने बाद जून का महीना आ जाएगा और कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। आग लगा देंगे क्लासिक फिजिक मेंस फिजिक दोनों में। सारे मेंस फिजिक में घुस गए, कोई क्लासिक में भी आ जाओ, मैं तो दोनों खेलने वाला हूँ। इसे इस साल मेडल पक्का है, ये लाइन याद रखना। क्या बोला तूने? चाहे तुम पूरी दुनिया आ जाओ खेलने, पता नहीं कहाँ भाग गए खेलने वाले, कोई दिख ही नहीं रहा यूट्यूब पे, कहाँ घुस गए, मन बदल गया क्या तुम्हारा सबका? पहले तो इतने सारे आते थे, हम खेल लेंगे कॉम्पिटिशन, हम खेल लेंगे, अब कहाँ भाग गए? मैं यहाँ पर रोहित खत्री की फिजिक के विषय में कुछ भी नहीं बोलने वाला, आप वीडियो में खुद ही देख सकते हैं क्योंकि कंडीशन कैसे, सिमेट्री कैसे, मसल मास कितना इस बार उन्होंने गेन किया सेरू क्लासिक के लिए। और आप लोगों ने उनके द्वारा किए गए अनाउंस को तो खुद ही सुन लिया कि रोहित खत्री अगेन से जीतने वाले हैं गोल्ड मेडल। आप लोग रोहित भाई के लिए जो भी कमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर या फीमेल बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट फीमेल बॉडी बिल्डर है नंदिता रावत। और उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव में आके फेक फेडरेशन या लो क्वालिटी के बॉडी बिल्डर के विषय में क्या कहा है आप खुद ही सुन लीजिए। तो ऐसे ऐसे लोग यार मेडल मार रहे हैं और देश का हमारा जो नेशनल तिरंगा है उसको बॉडी पे ओढ़ के, मतलब कि बॉडी पे उसको पूरा लपेट के, और बैकग्राउंड में बॉलीवुड के गाने चल रहे हैं ना कि नेशनल एंथम चल रहा है, और लोग वर्ल्ड खेल के आए गए हैं। तो ज़रा ऐसे लोगों को आप लोग समझाओ, आप ही लोग हो जो हवा देते हो, ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हो। ज़रा ऐसे लोगों को बताया जाए कि जब हमारी बॉडी पे तिरंगा लपेटा जाता है तो बैकग्राउंड में बॉलीवुड की जगह नेशनल एंथम बजना चाहिए। मेरा गुस्सा नहीं है, मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप लोग ही ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हो, आप लोग ही ऐसी जो फेडरेशंस हैं उनको बढ़ावा देते हो। जब आपको अपनी तैयारी अपनी मेहनत पे भरोसा है तो आप डायरेक्ट जाके किसी अच्छी उसमें खेलो ना, आप ऐसे लोगों के चक्रों में पड़ते क्यों। तो दोस्तों यदि आप लोगों को आगे भी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।